प्रयागराज में आज बमबाजी की घटना पर पुलिस का बयान, मामूली विवाद में फेंके गए बम, वकील दयाशंकर मिश्र के घर के पास बमबाजी की खबर, अफवाह। चुनाव लड़ने के लिए गुंडा टैक्स वसूलता था अतीक अहमद, गुलाबी और सफेद पर्ची के जरिए लाखों में होती थी वसूली। साबरमती जेल से बिल्डर को दी धमकी, मैसेज में लिखा मैं अभी मरने वाला नहीं। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद पहली बार बोले सीएम योगी, यूपी में कोई माफिया किसी को डरा नहीं सकता, जो यूपी की पहचान के लिए संकट थे अब वो खुद संकट में है। अतीक हत्याकांड को लेकर पहली बार टीवी 9 भारतवर्ष पर आए यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव, कहा पुलिस को लेकर उठ रहे सवाल भी जांच के दायरे में, गुड्डू मुस्लिम के मुखबिर होने की बात गलत, शाइस्ता की भी तलाश जारी। एनसीपी में उठा पटक पर अजीत पवार ने तोड़ी चुप्पी, कहा पार्टी छोड़ने की खबर अफवाह, एनसीपी में था एनसीपी में रहूंगा।